महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज दिखाई देता है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त हो गई, तब से वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिख कर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिखते जैसा कि वे बोलते जाए। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। महाभारत चंद्रवंशियों के 2 परिवारों कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुद्ध और बुद्ध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। उनसे आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए, ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए, कुरु के वंश में शांतनु हुए, शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए, शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्र वीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुन रत मृग रूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई। उस ऋषि ने शाप दिया कि अब जब कभी भी तू मैथुन रत होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके तथा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगे। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से यमराज को आमंत्रित कर
उनसे युधिष्ठिर और वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। कुंती से ही उस मंत्र की दीक्षा ले माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण करते हुए पांडु के मन चंचल हो जाने से मैथुन में प्रवृत्त हुए, जिससे शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। सारथी अधिरथ ने उसे बचाकर उसका पालन किया। कर्ण की रुचि युद्ध कला में थी। द्रोणाचार्य के मना करने पर उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। शकुनी के छल कपट से दुर्योधन ने पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया तथा युवावस्था में भी जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो लाक्ष के बने हुए घर लाक्षागृह में पांडवों को भेजकर उन्हें आग से जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता के कारण से वे उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गए। पांडव वहां से एक चक्रा नगरी गए और मुनि का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गए, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहां एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने तैलपात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माता कुंती के वचन अनुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे पांच ब्राह्मण पांडव ही हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्न माणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में पांडव ही हैं। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन आदि ने युधिष्ठिर के साथ जुए में प्रवृत्त होकर उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दांव में जो भी पक्ष हार जाएगा वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और एक वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस एक वर्ष में भी यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस प्रकार एक बार फिर से जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में चले गए। वहां 12वां वर्ष बीतने पर एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए वे विराट नगर में गए। जब कौरव विराट की गौ को हरकर ले जाने लगे तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था, परंतु उनका अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। परंतु 12 वर्षों के ज्ञात और एक वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर सातक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा कि तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या केवल 5 ही गांव अर्पित कर युद्ध टाल दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर युद्ध करने का निश्चय किया। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया।
उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने माया से अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर सबको भयभीत कर दिया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले कि दुर्योधन के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा का अस्तित्व समझो, कार्य की सिद्धि और असिद्ध में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो। इस प्रकार श्री कृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्मयोग के बारे में विस्तार से कहने पर अर्जुन ने फिर से रथारूढ़ हो युद्ध के लिए शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा कि पांडव शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। भीष्म उसे कन्या ही मानते थे और उसे सामने पाकर वो शस्त्र नहीं चलाने वाले थे, और शिखंडी को अपने पूर्व जन्म के अपमान का बदला भी लेना था। उसके लिए शिवजी से वरदान भी लिया कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया और शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। अर्जुन ने अपनी बाण वृष्टि से उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। फिर से दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मत्स्य नरेश, विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए थे। लेकिन जब पांडवों ने छल से द्रोण को यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो आचार्य द्रोण ने निराश हो अस्त्र शस्त्र त्याग कर उसके बाद योग समाधि में लीन हो गए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न ने योग समाधि लिए द्रोण का मस्तक तलवार से काट कर भूमि पर गिरा दिया। द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार हुआ। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। युद्ध गतिरोध पूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। गुरु परशुराम के शाप के कारण वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके द्वारा किए अभिमन्यु वध, कुरु सभा में द्रौपदी को वेश्या और उसकी कर्ण वध करने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर उसे मारने को कहते हैं। तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। दुर्योधन की सारी सेना के मारे जाने पर अंत में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम ने छल से उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे मार डाला। इसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के पांचों पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को सदा के लिए सुला दिया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। इस युद्ध के अंत में कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा तीन कौरव पक्षी और पांच पांडव
सात्यकी तथा श्री कृष्ण ये सात पांडव पक्षीय वीर जीवित बचे। तत्पश्चात युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए। ब्राह्मणों और गांधारी के शाप के कारण यादव कुल का संहार हो गया। बलराम जी योग से अपना शरीर त्याग कर शेषनाग स्वरूप होकर समुद्र में चले गए। यह देख श्री कृष्ण भी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। जरा नाम के एक व्याध शिकारी ने अपने बाण से भगवान कृष्ण के चरण कमल को मृग समझकर उस बाण से प्रहार किया। उस बाण द्वारा कृष्ण के पैर का चुंबन उनके परम धाम गमन का कारण बना। प्रभु अपने संपूर्ण शरीर के साथ गोलोक प्रस्थान किए। इसके बाद समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने संसार की अनित्यता का विचार करके परीक्षित को राजासन पर बिठाया और द्रौपदी तथा भाइयों के साथ हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापट में युधिष्ठिर को छोड़ सभी एक एक करके गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए।